मुझे कॉन्डम्स यूज करने नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक द फील ऑफ इट. क्या कॉन्डम के बिना सेफ सेक्स हो सकता है? आई गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन एटलीस्ट अ डजन टाइम्स ईच वीक. तो चलिए आज जानते हैं कि अगर आपको कॉन्डम यूज करना पसंद नहीं है तो सेफ सेक्स के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. But before I get into it, I want to quickly remind you that I also have a Spotify exclusive podcast. So, अगर आप sex education की जानकारी audio में सुनना चाहते हैं, तो do check out the Sex Podcast with me, Lisa Mangaldas, exclusively on Spotify. And now, back to how to have safe sex without condoms, unwanted pregnancy, or STI transmission. बेसिकली ये दो रिस्क अवॉइड करने के लिए लोग सेफ सेक्स प्रैक्टिस करते हैं. सो द थिंग इज सिर्फ कॉन्डम्स ही इन दोनों के अगेंस्ट एक साथ प्रोटेक्शन दे सकता है. ऑल्सो कॉन्डम्स ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल है, अफोर्डेबल है और उन्हें यूज करना काफी आसान है. इसीलिए ज्यादातर सेक्स एजुकेटर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ लोगों को सेफ सेक्स के लिए कॉन्डम्स यूज करने की सलाह देते हैं एंड दे वुड रिमेन समथिंग दैट आई स्ट्रांगली रिकमेंड. But all of that said, when it comes to only contraception, yani ki pregnancy prevent karne ke liye, in fact, kaafi aur methods bhi hai. Jaise ki garbh nirodhak goliya ya birth control pills, contraceptive injections, implants, patches, aur intrauterine devices ya IUDs. And in fact, jab hum sirf pregnancy prevention ki baat kare, to statistically speaking, ये मेथड्स कॉन्डम से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. बट ये मेथड्स को एक्सेस करना जनरली कॉन्डम से थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स टू कंसिडर विद रिगार्ड टू योर हेल्थ बिफोर यू बिगिन टू यूज देम. सो इसमें डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है. फाइंडिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट सूटेड टू योर नीड्स ये एक लाइफ चेंजिंगली पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है. सो डोंट हेजिटेट टू कंसल्ट अ डॉक्टर. You deserve to be able to make an informed choice. Okay, now before moving from condoms to any other method of contraception, ek cheez bahut important hai. That is, dono partners ke liye sexually transmitted infections ka test karwana. Ye bahut hi important hai because as I said, condoms ke alawa, these other contraceptive methods, STIs ke against protection nahi dete. They only protect against pregnancy. It's important to make sure that neither of you have an infection before you stop using condoms. Now that we have all that out of the way, आज मैं तीन popular contraceptive methods के बारे में share करने जा रही हूँ जो मैंने खुद ने भी use किया है. The copper tea, birth control pills and the hormonal IUD. Let's start with the copper tea. This is the only non-hormonal, long-acting, reversible contraceptive method. The copper IUD or intrauterine device, jo commonly copper T ke naam se jana jata hai, wo ek T-shaped plastic piece hai, jo copper se covered hota hai. Ek gynecologist is device ko uterus mein manually insert karte hai, and it only takes a few minutes. अगर इंसर्शन के वक्त पेन के बारे में बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है. बट जनरली पेन बस थोड़ी देर के लिए होता है एंड इट टेंड्स टू बी बेरेबल. योर डॉक्टर माइट आल्सो गिव यू एन ओवर द काउंटर पेन किलर टू हेल्प विद द पेन इफ रिक्वायर्ड. नाउ कमिंग टू हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली कॉपर डीएक्टिवेट्स स्पर्म. कॉपर से संपर्क में आने के बाद स्पर्म डीएक्टिवेट हो जाते हैं. As a result, वो egg को fertilize नहीं कर पाते. Insertion के बाद a copper tea can be used for up to 10 years. सिर्फ यही एक non-hormonal contraceptive method है, जो long-acting और reversible दोनों भी है. It is also low-cost and highly effective. But copper IUD के कुछ side effects भी है, जैसे कि menstrual bleeding और cramps का काफी बढ़ जाना, जो बहुत इनकन्वीनियंट हो सकता है. एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर एग्जांपल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू हेल्थ इश्यूज लाइक एनीमिया. सो सम पीपल हैव देयर कॉपर आईयूडी रिमूव्ड वेल बिफोर द 10 ईयर पीरियड इज ओवर बिकॉज दीज साइड इफेक्ट्स आर टू मच टू बेयर. दिस वाज द केस फॉर मी एंड इसीलिए आई चोज टू एक्सप्लोर हार्मोनल मेथड्स नेक्स्ट इन माय ओन बर्थ कंट्रोल जर्नी. सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू द टू हार्मोनल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट आई हैव यूज्ड. Starting with birth control pills. Oral contraceptive pills, birth control ke liye sabse commonly used hormonal method hai. Birth control pills primarily ovulation ko prevent karta hai, jiske karan aap pregnant nahi ho sakte hai.
ओव्यूलेशन का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग का रिलीज होना. सो इफ देयर इज नो ओव्यूलेशन देयर इज नो एग टू फर्टिलाइज व्हिच मींस अ प्रेगनेंसी कैन नॉट अकर. बर्थ कंट्रोल पिल्स आपकी सर्विक्स के म्यूकस को भी थिकन कर सकता है जिसके वजह से स्पर्म का यूटरस में एंटर होना डिफिकल्ट हो जाता है. और तो और यूटरस की लाइनिंग को थिनर बना सकती है जिससे एग भी कई बार यूटरस की वॉल से अटैच नहीं हो सकता. ये फैक्टर्स भी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है. जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो काफी सारे फैक्टर्स को डॉक्टर के साथ कंसिडर करना पड़ता है, लाइक योर एज, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आप स्मोक करते हैं या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दे से एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स और कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शंस में भी ऐसा ही है. बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक बड़ा प्रो ये है कि आईयूडी की तरह कोई पेनफुल इंसर्शन प्रोसेस नहीं है क्योंकि आप इससे ओरली लेते हैं. कॉन की बात करें तो आपको ये पिल एवरी डे लेनी है, वो भी एट द सेम टाइम. For it to work, if you sometimes forget to take them or you don't manage to take them at roughly the same time every day, they don't work properly. That said, some people have a very positive and hassle-free experience with birth control pills. In fact, kuch logo ke liye even PCOS symptoms aur severe acne ko manage karne mein birth control pills prescribe kiya jata hai. But on the other hand, kuch logo ke liye birth control pills ke karan menstrual irregularities aur symptoms badh ja sakte hain. Aur to aur kai logo ke liye birth control pills lene se mood swings, headaches, bloating, acne and other such side effects bhi ho sakte hain. So it really depends from person to person. When it comes to contraception, there is no one size fits all method. You really have to take the time to figure out ki aapke liye sabse best suited kya hai based on your body, your requirements and your health. Honestly, हर रोज एक अलार्म के साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बारे में सोचना एटलीस्ट मेरे लिए काफी स्ट्रेसफुल और अनोइंग था. Also, क्योंकि I was a smoker, I was prescribed the progestin only pill, not the combination pill, which tends to be the more popular and widely used form of birth control pills. Now, for me, the progestin only pill made my premenstrual acne and mood swings even worse. So, in consultation with my gynecologist, I decided I would switch to the hormonal IUD. एक तरह से, we can say that hormonal IUD कॉपर टी और बर्थ कंट्रोल पिल्स के काफी सारे प्रोज को कंबाइन करता है और दोनों मेथड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी निकाल देता है. हार्मोनल आईयूडीज और कॉपर आईयूडीज काफी एक जैसे ही दिखती हैं और इंसर्शन प्रोसेस भी सेम है, बट द डिफरेंस इज इसमें कॉपर की जगह पर लीवन और जेस्ट्रल हार्मोन यूज होता है. ये हार्मोन एक प्रोजेस्टिन है जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकता है. नाउ हार्मोनल आईयूडीज पीरियड्स की सिवियरिटी को डिक्रीज करता है. इनफैक्ट कई लोगों के लिए पीरियड्स आना भी बंद हो जाता है. एंड एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी दिस सीम्स लाइक अ मेजर एडवांटेज. आई लव नॉट हैविंग अ हैवी पीरियड एनीमोर. ऑल्सो इसके बारे में आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स के जैसे रोज रोज सोचना नहीं पड़ेगा. वंस इट वॉज इंसर्टेड आई हैव बेरली हैड टू थिंक अबाउट इट. हॉर्मोनल आईयूडीज एक्सपेंसिव होती है बट वो इफेक्टिव 5 से 7 साल तक होती है. सो इट इज अ वन टाइम कॉस्ट फॉर अ प्रीटी लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज. हार्मोनल आईयूडी में बहुत कम मात्रा में हार्मोन रोज सीधा यूटरस में रिलीज होता है. ये अमाउंट रोज ओरली कंज्यूम होने वाली बर्थ कंट्रोल पिल से भी कम होता है बिकॉज द हार्मोन इज रिलीज लोकली रादर देन स्वॉलोड. हियर्स हाउ इट वर्क्स. हार्मोनल आईयूडी में जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो या तो आपके सर्विक्स पर प्रेजेंट म्यूकस को थिक करते हैं जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंचे, और एल्स वो यूटरस की लाइनिंग को थिन करते हैं व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एग टू अटैच, या ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं. आईयूडीज रिवर्सिबल होती हैं, सो व्हेनेवर यू वांट आपके गायनेकोलॉजिस्ट से इसे रिमूव करवा सकते हो एंड योर फर्टिलिटी विल गो बैक टू नॉर्मल. आई हैव हैड माय हार्मोनल आईयूडी फॉर ओवर 4 years नाउ एंड रिलेटिवली स्पीकिंग आई एम प्रीटी हैप्पी विद दिस मेथड. अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, एज आई सेड, मैंने खुद यूज करे हैं. इसके अलावा भी देयर आर सम अदर मेथड्स आउट देयर लाइक द वैजिनल रिंग, द इम्प्लांट, द पैचेस, द इंजेक्शंस. आई जस्ट हैवंट यूज्ड एनी ऑफ दीज मेथड्स मायसेल्फ, बट फील फ्री टू डिस्कस देम विद योर गायनेकोलॉजिस्ट. इन सब के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपके डॉक्टर से बात करें ताकि आप अपने लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन चूज कर पाएं. ऑल ऑफ दैट सेड, आई डू थिंक दैट नेविगेटिंग कॉन्ट्रासेप्शन कैन फील लाइक अ लेस देन आइडियल एक्सपीरियंस. इंस्टेड ऑफ इट फीलिंग लाइक
ooh, let me see what the best option out there is. It feels a bit more like, I'm having to decide which option sucks the least. क्योंकि अभी तक कोई परफेक्ट 100% इफेक्टिव जीरो साइड इफेक्ट्स वाला ऑप्शन नहीं है और तो और यू हैविंग टू वे द पॉसिबिलिटी ऑफ दोस साइड इफेक्ट्स अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड डिसाइड व्हिच आउटकम यूड रादर प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम व्हाई कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स अगेंस्ट बोथ ये बहुत ही अनफेयर है कि वुमेन एंड पीपल विद यूटरस आर एक्सपेक्टेड टू बेयर द फिजिकल इमोशनल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल विद ऑल इट्स अप्स एंड डाउन्स or else disproportionately bear the consequences of an unintended pregnancy. For an activity jisme men equally participate karte hain, the consequences land almost entirely on women, chahe contraceptive medication ka consequences ya pregnancy ka consequences. Surely we should all be advocating for a reliable male contraceptive method. Ek long-acting reversible birth control ka dependable male method bhi hona chahiye. After all, people with uteruses are only fertile for a few days in the month, whereas a person with a penis could impregnate someone multiple times a day, every day, for the vast majority of their life. Think about that. I would say that we need better, we deserve better, and we should demand more, so that हमारे future generations के पास कई और better options होंगे. और अगर हमें कल ये मुमकिन करना है, तो आज कम से कम हमें इस बारे में बात करनी पड़ेगी. Now, a few more things to just keep in mind. Contraception ki koi bhi reversible method mein, including condoms, ek slight chance rehta hai. Human error ya contraceptive failure hone ka. Isliye, instead of just thinking of these options as alternatives to condoms, you could even think of them as an option in addition to condoms. Kai log condoms ke saath saath dusri birth control method bhi use karte hain taki ek additional precaution rahe. Koi bhi contraceptive use karne se pehle doctor se consult karna best hai. क्योंकि वो आपको आपकी हेल्थ मेडिकल हिस्ट्री और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सूटेबल ऑप्शन सजेस्ट करेंगे बिफोर आई साइन ऑफ टुडे आई वांट टू क्विकली रिटर्न टू द टॉपिक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस फॉर अ मोमेंट दिस वीडियो एम्स टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू हैव सेफ सेक्स अदर देन बाय यूजिंग कंडोम्स एंड STI टेस्टिंग इज सेंट्रल टू दैट STI टेस्ट इज नॉट अ वन टाइम थिंग अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो रेगुलरली STI टेस्ट करवाना इम्पॉर्टेंट है स्पेशली अगर आपके पार्टनर्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हो या तो अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हैं। STI टेस्ट करवाने में कोई शर्माने की बात नहीं है बल्कि मैं तो कहूंगी कि अगर आप रेगुलरली STI टेस्ट करवा रहे हैं तो इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू एंड बाय डूइंग सो वी कैन हेल्प प्रिवेंट STI ट्रांसमिशन ऑल्सो द गुड न्यूज इज कि ज्यादातर STIs ट्रीटेबल होते हैं Early detection can mean easier treatment or management as well as preventing further transmission. Now, agar hum particularly HIV transmission se protection ke bare mein baat kare, to condom use karne ke saath saath ek medication bhi hai jiska naam hai PrEP, pre-exposure prophylaxis. Ye medication HIV contract hone ke chances kaafi kam kar deti hai. It can be taken to reduce the likelihood of HIV transmission if, for example, the type of sex you're having is associated with a higher risk of HIV or if your partner has HIV. HIV prevention और management की medication में बेहतरीन तरक्की हुई है तो अगर आपको कभी लगे कि आपकी sexual life में you are at a higher risk of contracting HIV, तो डॉक्टर से HIV से associated prevention और management के medications की जानकारी जरूर ले I hope कि आपको ये video अच्छा लगा and I hope that you found this information useful. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें माई हैंडल इज @ लीजा मंगलदास आई ऑल्सो लव इट इफ यू चेक आउट माई स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट इट्स कॉल्ड द सेक्स पॉडकास्ट विद मी लीजा मंगलदास एंड यू कैन फाइंड इट ऑन द स्पॉटिफाई ऐप फॉर फ्री ऑल्सो प्लीज डू लीव मी अ कॉमेंट लीव मी क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स आई लव हियरिंग फ्रॉम यू एंड आई मेक श्योर टू लुक एट देम For future topic ideas, in case there's something you are looking for an answer to. As always, I would love it if you join me in imagining a world jahan hum sabke sexual experiences consensual, safe, or pleasurable ho.